हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा वेब ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ मार्केट, तो घर का ही सामान लेने आपको भी घुमाती हूँ, शनिवार मार्केट कैसा होता है, क्या होता है, तो आप लोग भी चले मेरे साथ। मैं अभी सीढ़ी के नीचे जा रही हूँ, आप लोग आइए। एक बात और दोस्तों, भूलना नहीं प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं नीचे उतर चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने सोसाइटी के भगवान को प्रणाम कर लूँगी। ये रहे मेरे सोसाइटी के गणपति बप्पा जो यहाँ स्थापित हुए हैं, तो हम आते जाते इन्हें प्रणाम जरूर करते हैं। बहुत ही जल्दी गणेश चतुर्थी के दिन इनका बहुत ही धूमधाम से पूजा भी होने वाला है दोस्तों, मैं उसकी भी वीडियो आपको आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने भगवान को प्रे कर लिया, अब मैं मास्क लगा ले लूँगी क्योंकि हमें बाहर जाना है। तो देख सकते हैं हाथ में मैंने बड़ा सा बैग भी लिया है, क्योंकि मार्केट से मुझे जो जो चीज़ें मिलेगी, जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक, सब्जी वगैरह जो भी, तो मैं ख़रीद लूँगी, इसीलिए मैं बैग साथ में लेके जा रही हूँ दोस्तों। ये रहा मेरे घर के ठीक सामने का रोड, जो कि आगे चल के बन रहा है थोड़ी दूर पे, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था। इधर गमले वाले भैया हैं, तो मैं उनसे थोड़ा खाद वगैरह ले लेती हूँ। कैसा है तुलसी का पौधा? 30 रुपए का। कैसा है? 30 रुपए का। क्या बात कर रहे हो, 30 रुपए हो गया? हाँ। अभी पहले तो 10 रुपए में आ जाता था, 10-15 रुपए में महंगा हो गया। और ये वाला गेंदा का फूल? ये 80 रुपए का है, बंडी के साथ है। अच्छा, इसके साथ 80 रुपए हाँ। का है। और ये वाला? ये वाला 120 का है। ये 120 रुपए का है। कितना महंगा दे रहे हो? 100 रुपए लगा देंगे, एक मिनट लाइन पर आना तो काट दो। आवे ले हम खाद कौन सा दे रहे हैं? ये खाद है। कितने का है? ये 20 रुपए का है। क्या बात कर रहे हो, खाद 20 रुपए का दे रहे हो? हाँ। 10 रुपए का आता है? 20 रुपए का वाला नहीं है, देख ले पेंटिंग भी लिखा है, झूठ नहीं बोलेंगे हम। कहाँ करें झूठ बोले हैं। ये दिखाओ दृष्टि जरा, ये दिखाई क्या, वो जो गोबर वाला? तो दोस्तों, मैंने तुलसी का पौधा और खाद लेके मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आगे। इधर मैं टमाटर ले रही हूँ, सब्जी वाले भैया खड़े थे, तो जो भी मुझे सब्जियाँ चाहिए इधर से थोड़ा ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये रहा आगे का वीडियो, जो रोड बन रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ था, तो अभी इस तरह बन चुका है। पानी का छिड़काव हो रहा है क्योंकि पकेगा, इसीलिए पानी डाला गया है, देख सकते हैं इस तरह बना के। आगे साईं बाबा भी हैं, तो आप लोग प्रणाम कर लीजिए। तो मैं अब आगे जा रही हूँ, आगे का मैं बैक कैमरे से मार्केट शूट करूँगी दोस्तों, क्योंकि साथ में मेरी बेटी शूट कर रही है, तो मैं उसको घर भेज दे रही हूँ, क्योंकि भीड़ भड़ाके वाली जगह मैं मेरे बच्चों को नहीं लेके जाती। तो दोस्तों, मैं मार्केट आ चुकी हूँ, तो देख सकते हैं मैं बैक कैमरे से अब आपको पूरी मार्केट दिखाऊंगी। तो इस तरह के ही सामान इस मार्केट में शनिवार मार्केट में लगता है, यहाँ घरेलू जो चीज़ें होती है, मतलब छोटे मोटे, वो मिल जाते हैं। इधर देख सकते हैं लहंगे लगे हुए हैं इस तरह, तो इसका रेंज कुछ 800-1200 रुपये था। अगर जो लोग हैवी या महंगा दुकान से नहीं खरीद सकते हैं, तो इस तरह का देख सकते हैं, हैवी है ये, बहुत बढ़िया है, आप अपने रिसेप्शन के लिए, अपने शादी के लिए यहाँ से खरीद सकते हैं सस्ते से सस्ते रेंज में। ज़रूरी नहीं है आप हाई फाई दुकान में जाके ख़रीदे तो ही। तो इस तरह के कपड़े, दुपट्टे और ये छोटे छोटे सलवार सूट के कपड़े ऐसे मिलते रहते हैं, तो जिसको लेना रहता है आके लेते रहते हैं। इधर देख सकते हैं सब लेस वगैरह, जैसे ब्लाउज वगैरह बनाना रहता है, तो जो टेलर वगैरह होते हैं उन लोग आके लेके जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लहंगा इधर भी लगाया गया है, बहुत खूबसूरत लहंगा था दोस्तों। तो आगे भी देख सकते हैं सब लेस लगा हुआ है, जिसको प्लेन साड़ी में लेस लगाना है या ब्लाउज में लगाना है, यहाँ से ख़रीद सकता है। और ये भी 10 रुपये में 9 मीटर मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है। इधर देख सकते हैं छोटे मोटे सामान सब हैं, छन्नी वगैरह जो भी, तो यहाँ इस तरह के छोटे मोटे सामान मिलते हैं, सब घर से निकल के आके जो भी जिसको लेना रहता है लेता है। हम लोग भी आते हैं, सब्जी वगैरह भी सब जो भी मिलता है, कुछ अच्छा दिख गया तो ले लेते हैं, नहीं तो मुझे तो घूमने का बहुत शौक़ है, मैं तो ऐसे भी आ जाती हूँ झोला उठा के।
तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि मुंबई में ऐसी छोटी छोटी मार्केटें हर दिन हर जगह लगती है, जैसे गुरुवार मार्केट, शनिवार मार्केट, संडे मार्केट, हर जगह इस तरह लगती है। इधर देखते हैं ड्रेसेस के सब मटेरियल हैं और इसका भी रेंज 200 है, मतलब सलवार और कुर्ते के कपड़े हैं जिसको बनाना रहता है। जो लोग मतलब सिलाई सीखते हैं और ख़ुद घर के लिए रेगुलर बनाना रहता है कुर्ता या प्लाजो या कुछ भी, तो वो लोग यहीं से कपड़े लेके जाते हैं। प्लास्टिक के भी बर्तन सब मिल रहे हैं, इधर लेसन, इधर बच्चों के कपड़े, बर्तन छोटे छोटे देख सकते हैं, बर्तन मिल रहे हैं, खिलौने वाला बच्चों लोग का होता है ना छोटे छोटे, एकदम कटोरी, छोटे छोटे ग्लास, वो सब भी मिलता है। तो देख सकते हैं इस तरह ही सब आते हैं लेते हैं। और ये मार्केट दोस्तों सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे तक ही लगा रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं सब कपड़े मिल रहे हैं सब, ये सब देख सकते हैं, ये प्लाजो वगैरह सब बनाते हैं, अस्तर वगैरह लगाना हुआ नेट का, तो ये सब कपड़े मिलते हैं। इधर देख सकते हैं चिंदी में भी कपड़े मिलते हैं, मतलब आपको छोटे छोटे कुछ बनाना है कपड़े में तो वो ले सकते हैं आप। देख सकते हैं छोटे छोटे बर्तन वाले भैया फिर दिख गए हैं, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए आप इधर छोटे छोटे 5 रुपये 10 रुपये में मिलता है, लेते हैं सब लोग आके। और इधर सब कुर्तियाँ वगैरह लेस, मतलब आप देख सकते हैं पूरे मार्केट में इस तरह का ही दुकान लगता है, मार्केट लगती है। इधर सब प्रोडक्ट है मेकअप के, पेटीकोट वगैरह। आगे देखेंगे तो बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के, वो सब देखो मिल रहा है और सब खरीदते भी हैं यहाँ। तो आगे देखेंगे सब ऐसे ही दुकानें आपको मिलेंगी। और ये जो किचन के लिक्विड होते हैं ना, जैसे आला हुआ, साबुन हुआ, ये सब छुट्टा भी यहाँ मिलता है, तो सब वो भी यहाँ से खरीदते हैं सब। आगे अब आगे हम जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, तो आगे सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब मिलेंगे। तो मैं अभी आपको बस दिखा रही हूँ, मैं दिखने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने मेरी बेटी को घर पर भेज दिया, मैं अकेली आई हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छा मटेरियल, इधर नेट वाला जो कपड़ा होता है ना वो मिलता है, बहुत खूबसूरत कपड़े रहते हैं। आप लहंगा वगैरह आप ऐसे अच्छा सा ड्रेस कुछ आप सोचो और यहाँ से लेके जाके बना सकते हो। ये देख सकते हैं लिक्विड इस तरह मिलते हैं, बर्तन के लिक्विड। मैं तो यहाँ से कुछ खास यूज नहीं करती हूँ, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर लेती हूँ, ये जो लिक्विड रखा हुआ है ना येलो कलर का, वो आला होता है, टॉयलेट में डालो ना तो टॉयलेट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस टॉयलेट में रात को 2-3 मग्गे में 2-3 ढक्कन आला डाल दो वो लिक्विड, और पूरे बाथरूम में फैला दो, सुबह उठोगे तो आपका बाथरूम एकदम चमक उठेगा, क्लीन हो जाएगा, जो भी काई दागी रहेगा सब क्लीन हो जाता है। तो मैं वो आला ज़रूर लेके जाती हूँ मार्केट से, क्योंकि दुकान पे नहीं मिलता है, तो ये यहाँ से सब लेके जाते हैं, तो मैं लेके जाती हूँ, तो मेरे टॉयलेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों मेरी शॉपिंग हो चुकी है, तो अब मैं निकल रही हूँ मार्केट से, जा रही हूँ घर। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो मार्केट की पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।